मुंबई के भाईखला में गुरुवार देर रात दो शिव सैनिकों पर जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात व्यक्तियों ने शिवसेना संभाग संख्या 11 उपमंडल प्रमुख और भाईखला विधानसभा समन्वयक की कार पर हमला किया। बाइक पर सवार तीन लोग आए और शिव सैनिकों पर तलवारों से हमला कर दिया। हमले में दो शिव सैनिक बाल बाल बचे। घटना गुरुवार देर रात करीब 11:30 से 12:30 की है। इस संबंध में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा हमले में बाल बाल बची शिव सैनिकों को पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। फिलहाल पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है। हमले की जानकारी मिलने के बाद कई शिव सैनिक भाईखला थाने पहुंचे थे और इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शिवसेना संभाग संख्या 11 अनुमंडल प्रमुख के श्री विजय कामतेकर और भाईखला विधानसभा समन्वयक श्री बबन गांवकर की कार पर हमला किया गया। गुरुवार यानी 14 जुलाई की रात 11:40 से 11:50 के बीच कामतेकर और गांवकर एस पाटन वाला मार्ग मजगांव में अपनी स्विफ्ट कार में थे। इस दौरान तीन अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने तलवारों से इन दोनों पर हमला कर दिया। कामतेकर और गांवकर स्विफ्ट कार से अपने घर जा रहे थे, उस समय उन पर हमला हुआ। भाईखला थाने के एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। ये हमला राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हुआ या किसी और वजह से? बाइक सवार हमलावर वास्तव में कौन थे, वास्तव में किस पर संदेह किया गया? इन तमाम सवालों के मद्देनजर भाईखला पुलिस आगे की जांच कर रही है। मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।